नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। वक्त तो चलाए खबर फटाफट का, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थानरा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। 19 दिसंबर को झांसी आएंगे राजनाथ सिंह, जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जनसभा स्थल पर तैयारियां हुई शुरू, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मौका मुआयना कर रहे अधिकारी। झांसी में जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने किया औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण, औद्योगिक इकाइयों में अनुदानित यूरिया का प्रयोग होने से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। 2 दिन के दौरे पर झांसी पहुंची अनुप्रिया पटेल, बीजेपी के सहयोगी दलों की बनेगी सरकार, बोली अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को नकारा, बोली अनुप्रिया पटेल। तहसील मोड़ के समथर में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, अधिशासी अधिकारी समथर के अनुपस्थित रहने पर झांसी जिलाधिकारी ने लगाई फटकार, स्पष्टीकरण दिए जाने के दिए निर्देश। झांसी में पुलिस का चला कानूनी हंटर, दहेज हत्या के अभियोग में 3 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, साथ ही एक अन्य वांछित व वारंटी कुल 5 अभियुक्तों को भी धर दबोचा, भेजा जेल। झांसी में अपराधियों के लिए चलाया जा रहा धरपकड़ अभियान, दुष्कर्म के अभियोग में 5 छात्र अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंची मऊरानीपुर, सभा में विपक्ष पर बोला हमला, भाजपा और उसके सहयोगी दलों की लोकप्रियता से बौखलाया विपक्ष, विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। बबीना के गौवंश संरक्षण की दिखी जमीनी हकीकत, सड़कों पर दिखा गौवंशों का शव, सरकार की योजनाएं दिखी विफल, शव हुआ कंकाल में तब्दील, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। झांसी के विकास भवन में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, भाषाई, राष्ट्र व जाति अल्पसंख्यक व्यक्ति के अधिकारों पर की चर्चा, कई गणमान्य रहे मौजूद। गुरसराय में धर्म संस्कृति की रक्षा को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर महाराज का नगर वासियों ने किया भव्य स्वागत, इस मौके पर कई लोग रहे मौजूद। गुरसराय में जेएन महाविद्यालय और डॉक्टर चौहान को किया पुरस्कृत, मुस्कुराएगा इंडिया कोऑर्डिनेटर 2021 अवार्ड से किया सम्मानित, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने डॉक्टर चौहान को इस उपलब्धि के लिए दी बधाई, कई लोग रहे मौजूद। जालौन में सफाई कर्मियों का दिखा अनोखा प्रदर्शन, पीएम व सीएम को खून से लिखकर भेजा पत्र, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया प्रदर्शन, कई कर्मचारी रहे मौजूद। जालौन के तहसील सभागार में आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस, फरियादियों की गंभीरता से सुनी गई समस्याएं, समाधान दिवस में कुल 85 शिकायतें हुई दर्ज, 5 समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण। बांदा में दिखी खाद की मारामारी, हजारों की संख्या में लाइनों में खड़े दिखे किसान, मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने किसानों को एक बोरी देने के लिए किया कर्मचारियों को निर्देशित, कई किसान रहे मौजूद। बांदा में अवैध कब्जे को हटवाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, गुलाबी गैंग पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप, जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बांदा में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस हुआ संपन्न, 46 प्रार्थना पत्र शिकायतें हुई दर्ज, 5 प्रार्थना पत्र का मौके पर किया गया निस्तारण। रैली में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री के पुत्र के पंचायत चुनाव को लेकर की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर हुई वायरल, एक ही परिवार में नहीं हो 2 जनप्रतिनिधि, परिवारवाद को बढ़ावा देने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के पुत्र ने कही बात, बताया व्यक्तिगत राय, कई लोग रहे मौजूद। चित्रकूट में पकौआ देवी संस्कृत महाविद्यालय में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, जिलाधिकारी ने समापन कर विजेताओं को दिए प्रमाण पत्र, शेरो शायरी का चला सिलसिला, कई छात्र छात्राएं रहे मौजूद। प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मृतक युवक के परिजनों ने दबंगों पर बिना वजह गोली मारने का लगाया आरोप, राहगीरों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने कार्रवाई की शुरू। ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें, खबर फटाफट में, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज पीके। नमस्कार।